गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा और लाइफस्टाइल में। मैं ठीक हूँ, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइज, मैं आज आपको मिल रही हूँ ब्रेकफास्ट पे। आपको लग रहा होगा कि कल मैंने बोला था इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग हम जो कंजकियाँ उसके बाद स्टार्ट करेंगे 3 दिन बाद, क्योंकि मेरी मम्मी का फोन आया कि कंजकियाँ उस दिन तुम छोले पूड़ी भी नहीं खाओगे, मतलब क्या इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लूँगी तो मैं वो चीज़ें थोड़ी नहीं खाऊंगी। तो इसलिए मैं वो स्टार्ट करूंगी। मंगलवार को है कंजके, तो वो होगी हमारी वेडनेसडे से स्टार्ट बुधवार को। दो से तीन दिन है, तब तक मैं ये अपना खाऊंगी प्रॉपर जो मैं खाती हूँ। फिर भी वेट लॉस होता ही होता है, तो सिंपल डाइट है जो मैं घर के 3 टाइम खाना खाती हूँ। 1 कटोरी लिया दही, आधी कटोरी एक लिया परोठी है ज्वाइन वाली नमक वाली, बस मैं यही खाने वाली हूँ। और पता है कल इतनी बारिश, इतनी ज्यादा कल बारिश हुई है और आज भी बहुत ज्यादा बारिश हुई है मॉर्निंग में, सुबह सुबह 6 बजे करीब। तो बस नाश्ते में को लगा क्या खाती हूँ, तो मैं इसलिए ये बनाया। मेरे को अच्छा लगता है पराठे के साथ दही, विंटर्स में तो हम चाय पीते थे, इस टाइम मैं ये खा रही हूँ। तो आपको जो आपके घर बना आपको वही खाना है पोर्शन कंट्रोल करके। तो हमारी इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट होगी वेडनेसडे यानी कि बुधवार से। तो अभी मैं ये नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आगे मैं आपसे मिलती हूँ। तो आप पूरी जरूर वीडियो जरूर देखें, आप देखें मैं पूरा दिन क्या क्या खाती हूँ। बहुत ज्यादा अचानक से तेज बारिश स्टार्ट हो गई थी, बहुत प्यारा सब कुछ समझ गया है एकदम सागी। और देखो उस जब बारिश होती है ना तो जो उनसे फ्लावर्स होते हैं ना वो और भी ज्यादा सुंदर लगते हैं, क्योंकि वो खिला जाते हैं। तो मौसम बड़ा प्यारा हो गया। हमारी सड़क बन गई, इसके ऊपर कोई ने अपने पैरों के पंजों के निशान डाल दिए रात में डोगी ने। तो बारिश का मौसम हो गया, बहुत प्यारा बहुत अच्छा सा मौसम हो गया जिसको हम इंजॉय कर रहे हैं। A few moments later. मेरे लंच का टाइम हो गया। लंच में आज मैं आलू गोभी की सब्जी बनाने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने खाली टमाटर अपने और 4-5 टमाटर लिए हैं और अदरक लिया, उसका पेस्ट बना लिया है। तो मैं आपको बताती हूँ, बहुत अच्छी थी आलू मिर्ची की, आलू गोभी की अच्छी सी एक रेसिपी। लंच में आज मैं बनाने लगी हूँ आलू गोभी की सब्जी, जिसके लिए मैंने जीरा डाला है, अजवाइन डाला है। अब मैं इसमें टमाटर और अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। पेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम डालेंगे नमक, थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें लाल मिर्ची, थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें हल्दी एंड जरा सा मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर। 1.5 चम्मच अच्छे से मसाले को भून लेंगे हम। तो मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ कितना अच्छा है। ये देखो इतना प्यारा मौसम है ना, विंडो इसलिए बंद करनी पड़ रही है ना क्योंकि ना हवा बहुत तेज आ रही है। इतना मस्त मौसम आज बारिश का, क्योंकि बारिश सुबह भी हुई थी कल भी हुई थी। और यहाँ पे मैं अपनी ये आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ, इतनी अच्छी हवा आ रही है। टमाटर और अदरक अच्छे से भून चुके हैं, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी गोभी। साथ में इसके ऐड कर देंगे आलू जो कि मैंने छोटे छोटे कट किए हैं। बस अब इसको हम बिल्कुल मीडियम आंच पे पकाएंगे और ढक के रख देंगे, जिसको बनने में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे। बन चुकी है, ऊपर से मैंने एक कसूरी मेथी डाली है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। मैंने अपनी गैस भी बंद कर दिया है, बस रेडी होगी आलू गोभी। तो मैंने अपनी आलू गोभी रेडी कर लिया और ऊपर से मैंने इसको खीरे से डेकोरेट की है। खाने का बिल्कुल मन नहीं था इसलिए मैंने रोटी नहीं ली, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में खाई है तो इसलिए बस मैं यही खाने वाली हूँ। और 11:30 बजे करीब मैंने 1 कटोरी दही का खा लिया था, इसलिए मैं दही अभी नहीं खाने वाली हूँ, बस मैं यही खाने वाली हूँ। रोटी ऐसे नहीं खा सकते, खा सकते हैं एक रोटी आप अभी भी ले लें, लेकिन भूख हो तब ना मिलूँ। जब भूख ही नहीं है तो फिर मैं ऐसे ओवर ईटिंग नहीं करती, इसलिए मैं खाली सब्जी और ये साथ में ये खीरा खाऊंगी, जिसको मैंने अच्छे से डेकोरेट की है। और आज का मौसम बहुत प्यारा है, अब ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो अच्छा मौसम है। मेरे को लगा जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो क्या बनाए, तो इसमें मैंने टमाटर और अदरक का वो लगाया तड़का, तो प्याज और लहसुन तो डालना नहीं था। तो ये देखते हैं बनी कैसी है, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी, अमेजिंग बनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। अगर आप लोगों ने कभी ऐसे नहीं बनाई अदरक और टमाटर वाली, ज़रूर बनाया। हमारे घर में तो अदरक टमाटर वाली ही बनती है, नवरात्रि अगर नहीं भी हो तब भी बनती है, बहुत ही यमी बनती है। इसका अदरक का जो फ्लेवर आता है ना माइंड ब्लोइंग लगता है। अगर आप लोगों ने कभी नहीं ट्राई किया आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और बस इसको खाने के बाद थोड़ी देर 15-20 मिनट बाद मैं थोड़ी देर ना रेस्ट करूँगी, थोड़ी देर सोऊंगी क्योंकि मेरे को नींद लग रहा है, तो थोड़ी देर लेटूंगी, फिर उसके बाद मैं आपको इवनिंग में मिलूंगी। आपको लगा नींद लग रहा है संडे है, तो संडे में इंसान को संडे हो कि हाँ थोड़ी देर सोएं, तो मैं थोड़ी देर सोऊंगी, फिर उसके बाद थोड़ी देर में मैं आपसे मिलती हूँ।
तो गाइज मैंने आपको बताया था कि मेरे पॉट में कबूतर ने दो अंडे दिए हुए हैं, तो ना मैं यहाँ पे बैठी हुई थी तो मैंने यहाँ चेक किया कि मैंने देखा इनको कि ना कबूतर पता नहीं क्या इशारा कर रहा है, तो ना इन्होंने ना वो आके अपनी इसकी जगह बैठ गया और ना अपने दूसरे वाला दोनों के दोनों साथ में बैठ गए। मैं देख रही हूँ, मैंने कहा वीडियो बनाते हैं कर क्या रहे हैं, क्योंकि मैं एक बार एक दिन पहले भी मैंने देखा था कि ये एक आता है दूसरा चला जाता है, पता है देखना अब दूसरा चला जाएगा, ये बाहर जाने की कोशिश कर रहा है पर बाहर इसलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि बारिश हो रही है और ये फंस भी रहा है। तो ये शिफ्ट चेंज करते हैं, एक दिन में आके बैठता है और एक रात में आके बैठता है। अभी शाम का टाइम है तो ये उड़ जाएगा दूसरे वाला, और जो ये अभी आया है वो बैठेगा सारी रात, एक सुबह से शाम तक बैठता है, एक शाम से रात तक बैठता है। मतलब ये क्या, मतलब ये दोनों के दोनों, मेरे को लग रहा था एक के ही अंडे हैं या ये पार्टनर्स हैं क्या है मेरे को नहीं पता है, बट अच्छा लगा मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज़ देखी। वो देखो अब ये वो उड़ जाएगा और ये अपनी जगह पे बैठा रहेगा सारी रात। तो गाइज मैं अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी थी, अभी टाइम हो चुका है 6:30 का है, बस मैं न्यूट्री बनाने लगी हूँ। आज मेरे को डिनर करते करते 7:30 हो जाएंगे, तो बस मैं वीडियो का यहीं पे एंड करने वाली हूँ। अब मैं तो आपको लग रहा होगा इंटरमीडिएट फास्टिंग क्यों नहीं स्टार्ट की, तो उसका रीज़न मैंने बता दिया है कि कंजके हैं, उसके बाद हम वेडनेसडे को स्टार्ट करेंगे, यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, अगर आप अपना पोर्शन कंट्रोल करके खाना खाएंगे तो आपका वेट लॉस बहुत जल्दी जल्दी जाएगा। तो चलो मैं वीडियो को एंड करती हूँ, तो आप बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अगर आप नए हैं तो एक सब्सक्राइब करें, अगर पुराने ने तो एक लाइक करना मत भूले। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।